नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज आप सब लोगों को पता होगा कि राइज़र दो प्रकार की होती हैं। आप लोगों को पता ही है कि राइज़र किस काम में आती हैं, जो कि पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट है। ये जो छोटी छोटी स्लॉट होती है, ये ने बोलते हैं पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट। ये जो स्लॉट होती है ना, ये राइज़र से कनेक्ट होकर इसे इस केबल को जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड रेड गई है और ये लाइट जल रही नीचे, इसे बोलते हैं राइज़र केबल। तो राइज़र केबल भी मतलब दो प्रकार की होती हैं। एक होती है 8 कैपेसिटर, जो ये लाइट जल रही है ये 8 कैपेसिटर है, और एक होती है 4 कैपेसिटर। तो ये जो है 4 कैपेसिटर है, इसमें लाइट नहीं जल रही, ये 4 कैपेसिटर है। तो ये दो प्रकार की राइजर्स केबल होती हैं, 8 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर्स। तो जो 8 कैपेसिटर है ना, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो 8 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर में सिर्फ मेनली एक ही डिफरेंस होता है, रहते सिमिलर ही हैं, सिर्फ डिफरेंट एक यही होता है कि 8 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर में, कि आपको यदि पावर जो मदरबोर्ड से जो जाती है ग्राफिक कार्ड में, वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक सिमिलर वे पे होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल होता है ना, जैसे आप जो मदरबोर्ड है, जैसे आप जो जान रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ये मदरबोर्ड है और इसमें देखिए ये जो लगी हुई है, आप इधर ध्यान से देख पाएंगे ना, ये देखिए जो लगी हुई है, ये राइज़र लगी हुई है। तो ये यहाँ से पावर जाती है, तो ये पावर जो जाती है ना इसमें, ये देखिए अभी ये आप देख सकते हैं, ये स्लॉट आप देख रहा होगा। तो ये जो इससे पावर जाती है ये राइज़र केबल्स में, तो आप ये देख सकते हैं, ये 8 कैपेसिटर राइज़र केबल है। इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, और इसमें आपको ये सबसे अच्छी बात है कि पावर को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करती है, और जो आपका डेटा ग्राफिक कार्ड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। तो थोड़ी महंगी होती है, अराउंड ये जो महंगी है, लगभग 100 से 150 रुपये का फ़र्क आता है, और ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है, तो आप अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हैं। और बेसिकली एक मेरे फ्रेंड हैं, उनको ग्राफिक कार्ड बेचने हैं अपने, उनके पास रिक थी, और उन्होंने अराउंड 2 या 3 महीने पहले रिक चालू करी हुई है, और उनको बड़े कार्ड्स की नीड है, वो बड़े कार्ड्स लेना चाह रहे हैं, तो उनको अपने ग्राफिक कार्ड सेल्स करने हैं। तो उनका इंक्वायरी मेरे पास आया था ग्राफिक कार्ड के लिए। बेसिकली यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, तो मैं उनका जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनका जो उनके पास जो ग्राफिक कार्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1060 है, 1660 है, 1660 सुपर है, और 1660 Ti, आई थिंक 4 से 4 ग्राफिक कार्ड उनके पास, शायद 4 या 3 है, वो शायद आपको वो उनसे ही इंक्वायरी करके ही पता चलेगा। और ट्रिपल फ़ैन भी है शायद, कूलिंग के हिसाब से ट्रिपल फ़ैन भी, और राइज़र भी शायद वो सेल आउट करते हैं या जो भी है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है। और जो लोग भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास के या भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वो भोपाल के रहने वाले हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप उनके लोकेशन पर जाके वो ग्राफिक कार्ड चेकआउट कर सकते हैं, और सारा उन्हीं से आपको डिटेल मिल जाएगा। और हो सकेगा तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, उनके सारे ग्राफिक कार्ड्स के लाऊंगा, कैसे हैं, किस तरह हैं, किस तरह की क्वालिटी है, क्योंकि मैं उनकी लोकेशन पर भी जा नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक मैं 1 to 2 days में जाऊँगा। तो यदि आपको कुछ भी इंक्वायरी है या कुछ भी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।